हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है बौद्ध धर्म और जैन धर्म की तुलना। वैसे तो देखने में आपको ये दोनों धर्म एक जैसे दिखाई देते हैं, परंतु इनमें मूलभूत कुछ अंतर हैं, तो आज हम उन्हीं की चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर आत्मा की बात करता हूँ। हालांकि इतिहासकार आत्मा शब्द का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बौद्ध धर्म में आत्मा को नहीं माना जाता है। आप आत्मा से मतलब जीव को समझ लें। तो यहाँ पर आप देखेंगे, जहाँ एक तरफ जैन धर्म पानी, आग, नदी, तालाब, झरना, पत्थर इत्यादि में आत्मा का होना मानते हैं, परंतु बौद्ध धर्म में ऐसा नहीं माना जाता है। तो इसमें एक मूलभूत अंतर यही हो गया। जैन धर्म ने अहिंसा पर अत्यधिक बल दिया है, और जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि वो हर चीज़ में आत्मा यानी जीव का होना मानते हैं, इसके चलते उन्होंने कृषि कार्य करना बंद कर दिया। क्योंकि जब अपन जुताई करते हैं तो उसमें केंचुआ निकलते हैं, और वो जुताई करते समय केंचुए मर जाते हैं, इसलिए वहाँ पर जीव हत्या होती है। तो यहाँ पर जैन धर्म को मानने वाले लोगों ने कृषि करना बंद कर दिया, तो अहिंसा का इस स्तर तक पालन किया जाता है। लेकिन बौद्ध धर्म में अहिंसा को यहाँ तक नहीं मानते हैं, इसलिए इतिहासकार कहते हैं कि अहिंसा का सिद्धांत जैनियों की अपेक्षा बौद्धों का अधिक श्रेष्ठ है। इसमें हम अगला अंतर देख लेते हैं, जाति को लेकर। जैन धर्म ने जाति पर बहुत कठोर प्रहार नहीं किया है, उन पर करारा प्रहार नहीं किया है, लेकिन बौद्धों ने असमानता का और जातिवाद का बड़े पैमाने पर विरोध किया है। हम यहाँ संघ की बात कर लेते हैं, तो संघ की जो व्यवस्था बौद्धों ने बनाई है शानदार, उतनी व्यवस्था जैनियों ने नहीं बनाई है। तो यहाँ पर एक अंतर ये भी है। हमें मालूम है कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों का उद्देश्य निर्वाण प्राप्त करना है, परंतु यहाँ पर भी अंतर है। आप देखेंगे जैन धर्म में तो कठोर तप और तपस्या की बात कही जाती है, यहाँ पर संन्यास अति आवश्यक है, लेकिन बौद्ध धर्म में ऐसा नहीं है। बौद्ध धर्म में ग्रस्त लोग भी निर्वाण प्राप्त कर सकते हैं, और वो अपने जिंदा रहते प्राप्त कर सकते हैं, जबकि निर्वाण प्राप्ति के लिए जैन धर्म में देह का अंत होना आवश्यक है। लेकिन बौद्ध धर्म में आप देखेंगे तो यहाँ पर कोई भी ग्रस्त व्यक्ति भी अपने जीते जी निर्माण प्राप्त करता है, कि शर्त यह कि उसकी इच्छाएं तृप्त हो गई हों, उसके जीवन में किसी प्रकार की कोई इच्छा नहीं रह गई हो। यही बौद्ध धर्म का निर्माण है। जैन धर्म और बौद्ध धर्म में एक मूलभूत अंतर ये भी है कि बौद्ध धर्म अधिक परिवर्तनशील सिद्ध हुआ, जो भारत में इसने लगभग एक समय पूरे भारत में विस्तार किया था और भारत से बाहर भी गया था, जहां विदेशों में भी बौद्ध धर्म को माना गया। लेकिन जैन धर्म भारत में ही पूरे तरीके से विस्तार नहीं कर पाया और ये विदेशों में नहीं गया है, तो ये भी एक अंतर है। और जैन धर्म हिंदू धर्म के अधिक नज़दीक रहा है, यानी हिंदू धर्म पर इसने करारा प्रहार नहीं किया है, और जैन धर्म भारत में बहुत बड़े पैमाने पर इसका विस्तार नहीं हो पाया, लेकिन जैन धर्म भारत में हमेशा जीवित रहा और आज भी है। लेकिन बौद्ध धर्म एक समय पूरे भारत में बौद्ध धर्म को माना जाता था और भारत से निकलकर विश्व में ये फैला, लेकिन जब इस पर हिंदू धर्म ने प्रहार किया और विदेशियों के यहाँ पर आक्रमण हुए, जैसे कि मुसलमानों के, तो बौद्ध धर्म भारत से ख़त्म कर दिया गया था। इस तरीके से आज के समय में जो आपको बौद्ध धर्म भारत में दिखता है, इसका श्रेय डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को जाता है। 14 अक्टूबर 1956 को इन्होंने नागपुर में धम्म दीक्षा ली थी, उसके बाद लोग बौद्ध धर्म की ओर आकर्षित हुए, और आज के समय में भी भारत में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार का काम चल रहा है, लोग धर्मांतरित हो रहे हैं, परंतु भारत को बौद्ध में भारत बनाने के लिए ये पर्याप्त प्रयास नहीं है, इसके आगे और प्रयास करने होंगे। तो इस तरीके से जैन धर्म और बौद्ध धर्म के ये मूलभूत अंतर हो गए कि जैन धर्म भारत से बाहर नहीं निकला है, ये हिंदू धर्म के अधिक नज़दीक रहा है, भारत में ये कभी भी इसका पतन नहीं हुआ है और आज भी है। अब बौद्ध धर्म और जैन धर्म में हम कुछ समानताएं भी देख लेते हैं। तो अब हम जैन धर्म और बौद्ध धर्म की समानता की बात कर लेते हैं। दोनों ही धर्म कर्म के सिद्धांत को मानते हैं, दोनों ही धर्म ईश्वर को नकारते हैं, दोनों ही धर्म जीवन को दुखमय मानते हैं, दोनों ही धर्म अहिंसावादी हैं, कर्मकांड के विरोधी हैं। इनका प्रचार प्रसार भी उत्तर पूर्व भारत में हुआ है, वो स्थान भी एक ही है, यानी इनका जो विस्तार हुआ है वो एक ही जगह से हुआ है। दोनों का संबंध राजकुल से है, यानी ये धर्म प्रचारक जो हुए हैं महात्मा बुद्ध और वर्धमान महावीर या महावीर स्वामी, तो इनका संबंध राजघराने से है, ये भी इनमें समानता है।
दोनों को ही राजाओं का संरक्षण मिला हुआ था, क्योंकि दोनों ही राजघराने से थे, क्षत्रिय कुल से थे। दोनों ने ही अहिंसा पर बल दिया है, दोनों ने ही नैतिक आचरण पर बल दिया है, दोनों ही जनसाधारण की भाषा में अपने उपदेश देते हैं, जैसे कि बुद्ध के उपदेश पाली में, जैसे कि बुद्ध के उपदेश पाली में हुआ करते थे और महावीर के उपदेश प्राकृत में हुआ करते थे। तो ये जनसाधारण की भाषा थी उस समय की, इसमें दोनों ने उपदेश दिए हैं। दोनों का ही उद्देश्य मोक्ष की प्राप्ति है, निर्वाण को प्राप्त करना है। दोनों ही धर्मों का ऐसा मानना है कि कोई भी दैवीय जीव नहीं है, यानी कोई भी विशेष जीव नहीं है, ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है, सभी समान हैं। यानी कि दोनों ही सर्वश्रेष्ठ जीव को होने की मनाही करते हैं, यानी इस दुनिया में सभी लोग समान हैं। तो ये जैन धर्म और बौद्ध धर्म की तुलना है। देखने में दोनों ही धर्म एक जैसे प्रतीत होते हैं, परंतु इनमें कुछ मूलभूत अंतर है जिसकी चर्चा मैं कर चुका हूँ। तो इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच।